सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट सर्वर में, जहाँ पर हम एक बहुत ही खतरनाक मैच करवाने जा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान से आंसर एफएफ मुकाबला करने जा रहे हैं ओपी विसेंजो का। और बिल्कुल गाइस ये ओपी विसेंजो ही हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर इनकी प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ जो मानते नहीं है। और इनके गिल्ड की बात करते हैं तो ओवर पावर इनका गिल्ड देखने को मिलता है और ओपी सेबुलस इनके गिल्ड के लीडर भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर 77 लेवल भी है और बड़ा खतरनाक अवतार इनका दिखाई दे रहा है। तो गाइस 1v1 का मुकाबला है जहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर आंसर एफएफ प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं, इनका मुकाबला करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस मैच तो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर टुगेदर गेमिंग चैनल एंड मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जोटो गुरु। तो गाइस मैच हो चुका है स्टार्ट, यहां पर ओपी विसेंजो की खतरनाक मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है और जो कि मुकाबला करते हुए दिखाई देने वाले आंसर एफएफ को। भाई पहली गोली और पहला ही हेडशॉट यहां पर आंसर को लगा दिए, क्या ही तगड़ा स्टार्ट यहां पर ओपी विसेंजो की जानिब से देखने को मिला है। अब देखना पड़ेगा, सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, आंसर का थोड़ा सा नेक इशू भी करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो ग्लू होल काफी लेट लगती हुई दिखाई दी है। लेकिन गाइस यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट है और देखते हैं गाइस यहाँ पर विसेंजो जो कि मुकाबला कर रहे हैं आंसर एफएफ का, पाकिस्तान के बहुत ही तगड़े प्लेयर आंसर एफएफ यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। काफी ज्यादा डैमेज कर दिया गया है और यहाँ पर जो है वो विसेंजो एक और हेडशॉट लगाने में कामयाब हो चुके हैं। 2-0 की सिचुएशन आते सार बना दी गई है। और अभी मैंने भी नोटिस किया कि यहाँ पर जो है वो आंसर एफएफ के साथ कोई स्किल्स नजर नहीं आ रही, जबकि विसेंजो यहाँ पर स्किल्स भी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक छोटा सा जो है ना ये सीन हो चुका है और इस चीज को शायद आंसर ने भी नोटिस नहीं किया और विसेंजो भी यहाँ पर शायद गलती से स्किल्स ऑफ करना भूल चुके हैं। लेकिन मैच अभी यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसी तरह से क्या यहाँ पर आंसर अभी भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। स्किल्स का फायदा तो है लेकिन यहाँ पर जो है वो गेम किस तरीके की देखने को मिलती है यहाँ पर वो जरूर देखना पड़ेगा। तीसरा राउंड है, 2 राउंड तो निकाल चुके हैं विसेंजो यहाँ पर और आंसर की बात करते हैं, वो यहाँ पर शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं भाई, ये राउंड भी निकालेंगे यहाँ पर विसेंजो और 3-0 की सिचुएशन यहाँ पे कर दी गई है। देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पर कि क्या ये राउंड भी विसेंजो अपने नाम करने में कामयाब होता है या नहीं होते। और जिस तरीके से यहाँ पर M887 विसेंजो ने उठा लिए, सामने से आंसर भी M887 का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देने वाली है। इस राउंड में देखना पड़ेगा आंसर क्या ये शॉट लगाने में कामयाब होंगे, क्या यो यहाँ पर विसेंजो को ये राउंड हरा पाएंगे। शॉट काफी अच्छा आया है लेकिन गाइस दोनों को बिल्कुल बराबरी का डैमेज देखने को मिलेगा। 3-0 सिचुएशन है, विसेंजो ने यहाँ पर जो है वो आधे सार में काफी तगड़ी लीड बना ली है और आंसर के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी क्योंकि एडवांटेज है स्किल्स का भी। और इस बार निकल कर आए लेकिन फिर से लगेगा डेजर्ट ईगल का हेडशॉट। 4 राउंड्स भाई आते सार में विसेंजो अपने नाम करने में कामयाब भी हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा क्या आंसर यहां से कमबैक कर पाएंगे क्योंकि मुश्किल लग सकता है यहां पर, क्योंकि आंसर के पास ना तो स्किल्स हैं और ना ही यहां पर जो है वो अभी तक राउंड को जीत सके हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद जाग सकती है अगर यहाँ पर एक अच्छे शॉट्स आ जाते हैं आंसर की जानिब से, वरना यहाँ पर विसेंजो बिल्कुल थोड़ा सा वन साइडेड तो कर ही चुके हैं। ओ इस बार फिर से लगाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन आंसर एफएफ ने लगा दिया यहाँ पर हेडशॉट और एक राउंड यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर आंसर एफएफ के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, आप लोग जरूर जाकर वहां पर यूट्यूब किलर की तरफ से सपोर्ट दिखा सकते हैं ताकि इस प्लेयर के भी पाकिस्तान में जल्दी से जल्दी अच्छे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स देखने को मिल सके। विसेंजो की बात करते हैं, यहाँ पर विसेंजो 1-4 की सिचुएशन के साथ प्ले करते हुए नजर आ रही है। ये राउंड काफी लंबा चला गया, काफी लंबा चला गया क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जोन काफी कम रह चुका है। और यहाँ पर जो है वो विसेंजो की बात करते हैं तो वो डेजर्ट ईगल अभी तक वो डेजर्ट ईगल से 4 राउंड जीते हैं और वो अभी तक डेजर्ट ईगल के साथ ही जाना चाह रहे हैं। लेकिन शॉर्ट रेंज में उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, काफी कम है इसकी। और ये ले हेड शॉट के साथ ही यहाँ पर ये राउंड भी आंसर अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। 2-4 की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी जबरदस्त बैक में कहूंगा यहाँ पर आंसर एफएफ की तरफ से देखने को मिला है। लेट्स सी गाइस इस राउंड में देखना पड़ेगा, विसेंजो यहाँ पर जो है वो वुड पिकर का इस्तेमाल भी करते हुए नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर आंसर के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि जैसे ही कम एचपी होती है उनको मेडिकेट लगानी पड़ती है। और यहाँ पे विसेंजो शॉट लगाने के लिए लेट चुके थे लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया गया है और यहाँ पर नहीं लगाया गया और उनको मौका दिया गया कि वो बाहर निकल कर आए, देन ही उनको यहाँ पर शॉट लगाया जाएगा। शॉट लगाने की कोशिश की गई विसेंजो की जानिब से, फिर से नहीं, इस बार लगेगा हेड शॉट और इस बार फिर से M887 का ही हेड शॉट लगाया यहाँ पर आंसर एफएफ ने। 3-4 सिचुएशन है गाइस यहाँ पर,
बहुत ही तगड़ा गेम प्ले मैं कहूंगा यहाँ पर। आंसर ने भी दिखा दिया जिस तरीके से कम बैक किया है, बहुत कम एफ पी इस राउंड में दिखाई दे रही है, मुश्किल हो सकता है ये राउंड निकाल पाना। ओके डेथ टिकट का शॉट मिस कर दिया यहाँ पर, विसर तो नहीं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रेड नंबर शॉट लगेगा। आंसर की जानी से राउंड निकल सकता है यहाँ पर आंसर के नाम, लेकिन यहाँ पर विसर शायद अपनी एच पी पूरी करते हुए दिखाई दे। और आंसर यहाँ पर जो है उसके पास सिर्फ मेडिकेट्स का सहारा है अपनी एच पी पूरा करने के लिए, कुछ टाइलर या कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही, फिर भी उसके साथ काफी अच्छे शॉट। ओके गाइस कम एचपी, ओके फाइव शॉट लग सकता था लेकिन ये राउंड इन्होंने बॉडी शॉट से ही लिया अपने नाम और 4-4 ईच कर दिया है। यहाँ पे चार राउंड तो जीते गए थे विसेंजो की जानी से, लेकिन आंसर की क्या ही जबरदस्त गेम प्ले निकल कर आई है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पर स्किल्स के बगैर विसेंजो को यहाँ पर चार राउंड लगातार हरा दिए। विसेंजो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बार काफी गुस्से में दिखाई दे रहे, यूएमपी ही उठा लिए भाई इस बार उन्होंने, पहले डेजर्ट टिकट चल रहा था लेकिन इस बार तो यूएमपी ही लेकर आ चुके हैं और हेड शॉट के साथ ही राउंड अपना नाम करेंगे। और 4-5 सिचुएशन गाइस यहां पर विसेंजो की जानिब से बना दी गई है, फिर से लीड में आ चुकी हैं डेजर्ट टिकट और ये कहीं एलिमिनेट ही ना हो जाए क्योंकि यहां पर जो है वो ड्रॉप भी यहाँ पर ऊपर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। आंसर की बात करेंगे, आंसर यहाँ पर बहुत ही तगड़े प्लेयर, लास्ट मैच इनका 4 फ्लैग के साथ देखने को मिला था और इस बार यहाँ पर जो है विसेंजो के साथ देखने को मिल रहे हैं, तो काफी तगड़े प्लेयर्स के साथ मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं आंसर एफएफ। लेट्स सी गाइस क्या यहाँ पर विसेंजो को मुश्किल में डालेंगे, शॉट लगाने की कोशिश, दोनों के शॉट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट मिस होते हुए नजर आए हैं लेकिन इस बार शॉट लग सकता है, नहीं मिस किया गया यहाँ पर शॉट और फिर से यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है, देखना पड़ेगा। यहाँ पर विसेंजो की बात करते हैं, राउंड निकाल लिया गया तो यहाँ पर 6 राउंड उनके नाम हो जाएंगे, काफी देर डैमेज दिया गया आई थिंक, सो थोड़े से अटक चुके थे और उन्होंने यहाँ पर 2 बॉडी शॉट लगाए हैं और 4-5 सिचुएशन गाइज यहाँ पर आंसर एफ एफ वर्सेज गाइज ओपी विसेंजो, यहाँ पर पार्क वर्सेज यहाँ पर मिडिल ईस्ट के प्लेयर विसेंजो और ये ले गाइज यहाँ पर खोपड़ी दौड़ शॉट लगा दिया यहाँ पर विसेंजो ने, 6-4 सिचुएशन यहाँ पर बना दी है और क्या ही यहाँ पर जो है वो गेम प्ले देखने को मिली है। एक राउंड की दूरी पर है, जीतेंगे तो यहाँ पर मैच को विन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर बात करते हैं आंसर की तो यहाँ पर उनके ये 4 राउंड में निकालना मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है, वो भी स्किल्स के बगैर और वो भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट सर्वर में ज्वाइन होकर और वो भी जो है वो विसेंजो के खिलाफ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट्स सी गाइस यहाँ पर शॉट लगाने की कोशिश की गई है, फिर से रेड नंबर शॉट लगा और इस बार फिर से M10 का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेजर्ट ईगल लेकर आए हैं, शॉट लगाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा विसेंजो को, ओके हेड शॉट लगा दिया यहाँ पर M87 का, बैक साइड से आए थे और बैक साइड से समझ ही नहीं पाए विसेंजो के मौजूद है आंसर और यहाँ पर शॉट लगा दिया यहाँ पर 5-6 की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देगी। लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा ये राउंड किसके नाम जाने वाले हैं और काफी कम एच भी रह चुकी है, 2 वुड पिकर उठा रही है भाई यहाँ पर, एक भी शॉट हेड पे लगा तो भाई यहाँ पर गेम विसेंजो के नाम चली जाएगी। लेट्स सी गाइस यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर काफी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्लेयर से क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्लू वॉल्स का इनका ग्लिच चल रहा है जिसमें ग्लू वॉल्स इनकी काफी ज्यादा लगती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी गाइस यहाँ पर M87 से ही अभी तक राउंड निकाले हैं, क्या ये राउंड भी M87 से निकालेंगे, ग्लू वॉल्स का ग्लिच काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है, आंसर की जानी से काफी ज्यादा लग चुकी है। ओ भाई ये लगा यहाँ पर खोपड़ी डॉट शॉट और 6-6 ईच कर दिया यहाँ पर विसेंजो के खिलाफ, लेकिन इस राउंड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद सुलह होने जा रही है जिस तरीके से आप लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल ये राउंड खेला जाएगा। विसेंजो यहाँ पर शायद गन्स लेकर आए थे और शॉट भी लगाया गया था लेकिन उन्होंने भी शायद आंसर को यहाँ पर देखकर अपनी गन्स ड्रॉप्स करने का फैसला कर लिया, शायद यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल यहाँ पर ड्रॉप तो नहीं कर रहे लेकिन जोन से बाहर जाने का फैसला किया गया है और बिल्कुल यहाँ पर गाइज 6-6 ईच यहाँ पर विसेंजो वर्सेस आंसर के दरमियान देखने को मिलेगा और होपफुली गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।